फिर ये फैमिली आज एक नहीं दो नहीं बल्कि छह यूनिवर्सल चैंपियन रह चुके WWE सुपरस्टार एलिमिनेशन चेंबर के अंदर जाकर WWE से गायब हो चुकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फाइट करेंगे। और इससे पहले आप लोग बोलोगे भाई रोमन के पास तो यूनिवर्सल टाइटल है, ना 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 भाई, उसका नाम अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है। और इसलिए आज की गेम प्ले में ये पुराने छह यूनिवर्सल चैंपियंस उसी पुराने यूनिवर्सल टाइटल के लिए फाइट करेंगे जो कि लास्ट ईयर तक था लेकिन अब नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि वो पुराने वाले ब्लू यूनिवर्सल चैंपियनशिप को इनमें से कौन जीतता है। और फिलहाल भी जैसा मैंने कल आप लोगों से कमेंट करने बोला था कि इस हफ्ते लाइव होना चाहिए क्या दोबारा, तो ज्यादातर लोगों ने बोला कि हाँ भाई इस हफ्ते फिर से लाइव करो। और क्योंकि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दिखाते हो भाई तो इसीलिए लाइव करना बनता है। और मैं सोच रहा हूँ कि फ्राइडे या सैटरडे को किया जाए इसी हफ्ते। तो आज ना आप लोगों के दो काम है, एक तो आप लोगों को याद हो कि वीडियो को लाइक करना है तो फटाफट से अगर नहीं किया तो कर लो, और दूसरा काम ये कि कमेंट करके ये बताइए कि फ्राइडे या सैटरडे किस दिन लाइव किया जाए। दोनों दिन मत बोल देना, मैं जान रहा हूँ बहुत चालू लोग बोल देंगे भाई दोनों दिन नहीं एक दिन बताना, फ्राइडे या सैटरडे। तो ब्रॉक और सेथ ने मैच स्टार्ट कर दिया, इन दोनों के चांसेस थोड़े कम हो गए, ऐसे 60 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं सबको बाहर निकलने में, लेकिन सिर्फ 60 सेकंड का टाइमर है। और प्लीज को ये कमेंट मत करना कि भाई इस मैच में केविन ओवेंस और ब्रॉन स्ट्रोमन क्यों नहीं है, वो भी तो यूनिवर्सल चैंपियन थे। तो इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे भाई सिर्फ 6 आदमियों की जगह थी, अगर 8 आदमियों की जगह होती तो उन दोनों को भी ले लेता, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर है तो 6 आदमी आ सकते। इस एलिमिनेशन चेंबर में ना ज्यादातर वही सुपरस्टार जीतता है जो लास्ट में निकलता है। ये टकले रेफरी को पड़ी ना, अच्छा लगा भाई देखकर। ब्रॉक लेसनर सुप्लेक्स सिटी लेके जा रहे हैं। ब्रॉक अगर अपनी हेल्थ बचा के रख लो, एटलीस्ट जब तक पांचवा सुपरस्टार नहीं निकल जाता है तो जीतने के बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे। ब्रॉक कंटिन्यूअसली पीटे जा रहे हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को, और गोल्डबर्ग देख लो फुल चार्ज हो रहे हैं। नेक्स्ट आदमी अपने अपने मन में गेस कर लो भाई क्या लगता है। मैं गेस करूंगा फिंड ब्रे वाइट, आई थिंक फिंड ब्रे वाइट बाहर आने वाले हैं, पता चली जाएगा। F5 वो भी बाहर पड़ा है भाई, F5 बाहर पड़ने वाला है। और नेक्स्ट आदमी कौन है पता नहीं, कौन निकला, मुझे लगता है फिंड नहीं, कौन निकला भाई, नाम लिखाया कैमरा मैन दिखा दो, वो बिल्कुल बाहर निकले। मैच के शुरू होते के साथ सेथ की वाट लगनी स्टार्ट हो गई है, एक फिनिशर ऑलरेडी लग चुका है सेथ, और जाते के साथ बिल गोल्डबर्ग से भिड़ गए। इनके पास भी दो फिनिशर है, देख लो सेथ अगर एक और फिनिशर लग गया तो नॉकआउट नहीं इस मैच में, सिर्फ पिनफॉल या सबमिशन है। पर ये हालात सेथ के लिए ठीक नहीं लग रहे, बॉडी येलो तो ये अच्छा है। ब्रॉक ने अपने इंतजाम कर लिया है कि चलो भाई मैं एक नंबर से आया हूं तो अपनी हेल्थ पूरी बचा के रखूंगा, सेथ की हेल्थ खत्म कर दो। सही है ब्रॉक, अगर ऐसी टिके रहे तो ओह दोनों मिलकर सेथ को मार रहे हैं भाई, ऐसी क्या दुश्मनी है सेथ से। सेथ चालू रॉलिंस की आज चालूपंथी काम नहीं आ रही, स्टार्टिंग में बहुत पिट गए, पर ब्रॉक किसी के साथ टीम अप नहीं करते, ये ब्रॉक का फंडा है। नेक्स्ट आदमी मुझे लगता है ट्राइबल चीफ, नेक्स्ट आदमी भाई चौथे आदमी, ओ डबल टीम अप बिल गोल्डबर्ग के साथ, ओ भाई 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 देख रहे हो क्या खतरनाक डबल टीम अप था। नेक्स्ट ट्राइबल चीफ या फिंड बैलर का मुझे नहीं लग रहा, ओ देखा मैंने बोला ना ट्राइबल चीफ या फिंड बाहर आ गए, तो रोमन और फिंड बैलर दोनों में से जो भी लास्ट में निकला ना उसका बहुत फायदा। ऐसे अगर देखा जाए तो ब्रॉक और बिल गोल्डबर्ग भी फुल हेल्थ पे, तो ज्यादा नुकसान तो इनका भी नहीं हुआ है, बस अब थोड़ी देर और ब्रॉक अपनी हेल्थ बचा के रखे तो जीतने चांसेस रहेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो 6 नंबर पे आए वही जीते, कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि जो 1 और 2 नंबर पे स्टार्ट कर रहे हैं उनमें से भी कोई जीत गया, तो कभी कभी हुआ है ऐसा। इस रिंग में सब ऐसे सुपरस्टार हैं ना जिन्होंने आपस में एक दूसरे से यूनिवर्सल चैंपियनशिप छीना है। ब्रॉक से छीना था सेथ ने, सेथ से फिर से छीन लिया था ब्रॉक ने, ब्रॉक से फिर से छीन लिया था सेथ ने, फिंड को पहली बार हराया था बिल गोल्डबर्ग ने, बिल गोल्डबर्ग को अच्छा ब्रॉन स्ट्रोमन नहीं आया ना क्योंकि बिल गोल्डबर्ग से लिया था ब्रॉन स्ट्रोमन ने, फिर ब्रॉन स्ट्रोमन से लिया था फिंड ने, और फिंड से जो एक बार रोमन ने ले लिया भाई 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 उसके बाद तो फिर किसी को मिला ही नहीं। सबसे अच्छा फिन बैलर की कहानी है, फिन बैलर से यूनिवर्सल टाइटल किसी ने नहीं छीना था भाई, फिन बैलर ये बात गर्व से बोल सकते हैं कि जैसे रोमन से यूनिवर्सल टाइटल तक रोमन से किसी ने नहीं छीना है क्योंकि रोमन ने एक बार रिलिंक्विश किया था और दूसरी बार तो अभी तक चैंपियन बने ही हुए, तो फिन बैलर से भी टाइटल किसी ने नहीं छीना था क्योंकि फिन बैलर ने भी रिलिंक्विश किया था। पहला एलिमिनेशन ब्रॉक लेसनर का नहीं होना चाहिए, सबके पास रेजिलेंस है भाई, ब्रॉक ने रेजिलेंस तक यूज नहीं की है, तो जो सबसे पहले यूनिवर्सल चैंपियन है वो इस मैच में सबसे आखिर में आने वाले हैं, यानी कि डीमन किंग फिन बैलर। जो इस मैच में देखा जाए तो सेथ और डीमन की भी कहानी है, डीमन पहली बार चैंपियन बने थे सेथ को हरा के, और डीमन को पहली बार मेन रोस्टर में पिनफॉल करवाया ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने, इससे पहले NXT में हुआ था लेकिन अगर मेन रोस्टर में बोला जाए तो रोमन ने करवाया था। तो सबकी कुछ ना कुछ कहानी आपस में लिंक्ड है सारे यूनिवर्सल चैंपियन की, इन लोगों ने आपस में इतने इतने सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट किए ना। तो फाइनल आदमी द डीमन किंग फिन बैलर भी आ गया उसी टाइम,
गिलिटीन रोमन का एक सबमिशन भी छीन लिया ब्रॉक ने और रोमन का फिनिशर रोमन को चिपका दिया है। ये चीज डीमन किंग फिन बैलर के लिए कितना सही है, सबकी हेल्थ जा चुकी है, सबको एक या दो फिनिशर ऑलरेडी लग चुका है और डीमन किंग बच गए। ब्रॉक ने ऐसे इंतजाम कर लिया था कि डीमन किंग का भी फिनिशर खाने में खाता खुल जाए, लेकिन बच गए डीमन किंग। तो अभी अगर हेल्थ के हिसाब से जज किया जाए ना कि कौन पहला एलिमिनेशन किसका हो सकता है, तो ऑब्वियसली सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का लग रहा है। भले ही रेजिलेंस है लेकिन मार मार खा के भाई बॉडी लाल करवा ली है, और सबसे ज्यादा हेल्थ अभी रोमन और डीमन किंग की तो ऑलमोस्ट फुली है। डीमन किंग एक एलिमिनेशन कर सकते हैं फिंड का, क्योंकि रेजिलेंस पीटर नहीं है। पहला एलिमिनेशन नहीं हुआ है बिना रेजिलेंस यूज किए कोई भी जाना मत। अरे डीमन किंग के पास रेजिलेंस नहीं है, या यूज कर लिया या पता नहीं था ही नहीं उनके पास, अभी तक तो उनको फिनिशर पड़ा नहीं है तो यूज नहीं किया होगा। फर्स्ट एलिमिनेशन ब्रॉक का नहीं होना चाहिए, भले ही जैकहैमर लगा है पर रेजिलेंस है। ब्रॉक यूज कर लेना एलिमिनेशन चेंबर में, कभी कभी ये लोग यूज नहीं करते हैं। ब्रॉक ने यूज कर लिया बिना रेजिलेंस के, ब्रॉक बचे हुए एक नंबर से आए ब्रॉक लेसनर, फिर भी अरे रे रे रे, बिल गोल्डबर्ग ने नाप लिया है भाई, एलिमिनेट कर ही के मानेंगे। ब्रॉक डबल रिवर्सल किया क्या? हाँ कर दिया सर, आपका दो फिनिशर बैक टू बैक दोगे, वो भी डबल रिवर्सल के साथ, फिंड की रेजिलेंस ही जा सकती है। स्टॉम्प लगाया है, पिनफॉल कर भाई सेट फ्रिकिंग रॉलिंस टू फिंड, नहीं रेजिलेंस यूज कर ली, कभी भी एलिमिनेशन हो सकता है फिंड का। बिल गोल्डबर्ग सर आपके पास भी रेजिलेंस है, यूज कर लिया भाई। और उधर देख रहे हो रोमन ने भी फिनिशर टिका दिया डीमन किंग को, एक फिनिशर में मत चले जाना। हाँ फर्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन तो थोड़ी इज्जत रखना, और लास्ट में निकले डीमन किंग तो सबसे ज्यादा एडवांटेज उनके पास है। सेट की भी रेजिलेंसी चली गई भाई भाई भाई, ब्रॉक लेसनर अपने डोमिनेशन पे उतर रहा है। फर्स्ट एलिमिनेशन बिल गोल्डबर्ग, और सेकंड एलिमिनेशन की भी तैयारी कर ली है। डीमन गए क्या? नहीं, डीमन ने तो किक आउट कर दिया है, लेकिन फिंड मुझे नहीं लगता कि किक आउट करेंगे। सेकंड एलिमिनेशन बाय ब्रॉक लेसनर, रिंग खाली करते जा रहे ब्रॉक। तीसरा किसका नंबर है ब्रॉक के पास? अरे है, फिनिशर भी है, सेट को भी लपेट सकते या डीमन किंग फिन बैलर को भी लपेट सकते हैं। एक नंबर से स्टार्ट किया था ब्रॉक और सेट ने, दोनों टीके में, लेकिन ब्रॉक के पास ना अपनी रेजिलेंसी तक है तो ब्रॉक ज्यादा अच्छा खेल रहा है। सिग्नेचर और एक फिनिशर, इसका अगर सही से यूज करे ना ब्रॉक तो दो एलिमिनेशन। ओ रोमन ये डबल डोज एक साथ, रोमन भी कम नहीं है भाई। किंग के पास सिग्नेचर है, सही से यूज कर सकता है ट्राइबल। ओ बाहर फेंक दिया, अब क्या ही यूज करे भाई सिग्नेचर, ऐसे रिंग के बाहर वाला भी सिग्नेचर लगा सकता है, बस संभल कर। अगर रोमन ने एक फिनिशर लगाया टाटा बाय बाय, सबसे आखिरी में निकलियो भाई, अभी तक बॉडी पार्ट भी डैमेज नहीं है। सेट का टाटा करवा सकते थे ब्रॉक, लेकिन अब सेट के पास एडवांटेज है, सेकंड फिनिशर भी आने वाला है। सेट टाटा करवाएंगे क्या ब्रॉक का? दो दो फिनिशर सेट, पिनफॉल नहीं करना चाहिए था, पहले फिनिशर दे देते ब्रॉक के पास, रेजिलेंस तक है। ब्रॉक किक आउट काहे को नहीं किया? मैंने क्या बोला? ये लोग ना एलिमिनेशन चेंबर में कभी कभी ये गड़बड़ी कर देते हैं। रेजिलेंस रखी हुई थी ब्रॉक ने, किक आउट नहीं किया, जबकि ब्रॉक को फिनिशर भी नहीं लगा था। बच गया सेट रोमन, डीमन किंग फिन बैलर, सेट के पास दो दो फिनिशर था पर लगाया क्रॉस फेस। बताओ नॉर्मल सबमिशन से क्या होगा ट्राइबल चीफ का? शील्ड के दो पुराने मेंबर चाहे तो रियूनाइट हो सकते हैं डीमन किंग के खिलाफ, डबल टीम अप कर सकते। कर लिया क्या? नहीं नहीं नहीं, इतना अच्छा मौका दिया था रोमन ने, डबल टीम अप कर सकते थे। और ये देखो क्रॉस फेस लगाने में क्या मजा आ रहा है सबको। डीमन किंग टैप आउट मत कर देना, नॉर्मल सबमिशन है ठीक है। सेट एक नंबर से अभी तक यहां तक टिके हुए, तो सेट की भी दाद देनी पड़ेगी, पर दिक्कत यह कि सेट ने रेजिलेंस यूज कर ली, तो अभी इस मैच में जीतने की सबसे हाई चांसेस रोमन के, और रोमन के बाद फिन बैलर के, क्योंकि वो लास्ट में निकले थे, तो हो सकता है कि वो एकाध फिनिशर से शायद किक आउट कर दे, पर कोशिश करना डीमन किंग फिनिशर ना लगे अगर जीतना है तो। सेट तीन तीन फिनिशर है, रोमन की रेजिलेंस भी ले जा सकते हो अगर बैक टू बैक फिनिशर दिया तो। देखिए रोमन चले गए सेट की तलाश में बाहर, और सेट को अब ये फिनिशर सिग्नेचर। डीमन की क्या करने लगे, टाइम पास पड़ेगा इसको, गिलिटीन पड़ेगा भाई, यूनिवर्सिटी उछल कूद स्टार्ट कर दो। डीमन किंग पढ़ने वाला था स्पेयर, किस्मत अच्छी थी, पर अब गिलिटीन पड़ेगा। अच्छा रोमन डायरेक्टली बाहर ही फेंक दिया डीमन किंग को, वेटी। ओ रोमन की रेजिलेंस यूज करवा सकते हैं सेट अगर फिनिशर कनेक्ट हुआ तो, शायद यूज करेंगे शायद नहीं करेंगे। स्टॉर्म तो कनेक्ट कर दिया है, रोमन की रेजिलेंसी ले जा पाएंगे? एक नंबर से स्टार्ट किया हो ये मैच सेट फ्रिकिंग रॉलिंस, रोमन ने बिना रेजिलेंसी किक आउट कर दिया। हेड ज्यादा डैमेज नहीं था ना, बैक टू बैक सेकंड फिनिशर। डीमन रोक रहा है, डीमन रोक रहा है सेट को, रोक रहा है डीमन, लेकिन रोक नहीं पाया पिनफॉल करने से, लेकिन रोक दिया। अरे जीनियस बॉय, ये इसको पड़ेगी भाई, इसकी हार का कारण देखना अब रोमन ही बनेंगे डीमन किंग के। पिनफॉल डायरेक्ट हो सकता है, रेजिलेंस तो है नहीं भाई के पास,
गया क्या? बच गया लेकिन ज्यादा देर बचेंगे नहीं। रोमन के पास दो फिनिशर एक सिग्नेचर, दोनों को लपेट सकते हैं रोमन बैक टू बैक करके। ऐसे अगर सेट पिनफॉल करवाते तो शायद रोमन रेजिलेंस यूज कर लेते, पर ये बात तो अब पता नहीं चल सकती क्योंकि डीमन किंग ने रोक लिया। पता नहीं क्यों रोका, सिग्नेचर है डीमन किंग। अब ये काम करके अगर जीत जाओ तब समझ में आएगा कि हाँ दोनों एलिमिनेशन खुद करना चाहते थे, फंसा के पिनफॉल होने के चांसेस है। क्या क्या डीमन किंग बार बार बच रहा है रोमन बिना फिनिशर के, इसका पिनफॉल करवाना चाह रहे हैं ताकि सेट के ऊपर दोनों के दोनों फिनिशर लगा दो ना। रोमन के ऊपर बैक टू बैक हमला हुए जा रहा है, पर किसी तरह रोमन दोनों को टैकल कर रहे हैं। गिलिटीन लगाओ रोमन, अरे देख रहे हो रोमन पे डबल गैंगअप हो रहा है। इतनी दुश्मनी कर ली है ना रोमन ने सबसे कि सब भाई टीम अप करके मार रहे हैं। बताओ टॉप रोप पे जाने चाहिए था डीमन किंग को कूटे ग्रास देने के लिए, सेट जा रहे थे सिग्नेचर देने रोमन को, वो भी नहीं देने दिया। क्या डीमन किंग, ठीक है ये सब करके जीत जाओ तो समझ में आएगा, पर अगर अभी पहला एलिमिनेशन हो गया ना तीनों में से तो मुझे अफसोस होगा। इसकी जगह भाई ब्रॉन स्ट्रोमन या केविन ओवेंस को ले लेना चाहिए था। डीमन किंग देखो 3-5 किए जा रहा है, फिनिशर 1916 रिवर्स किया भाई सेट। आप सोच लिया सेट ने जीत के रहेंगे वो, दो फिनिशर एक सिग्नेचर, डीमन किंग का कुछ नहीं हो सकता भाई, सिग्नेचर फिनिशर कुछ नहीं है। और रोमन और सेट को एक बार देख लो, फुल्ली लोडेड है दोनों फिनिशर से, एक गलती और डीमन किंग बाहर है। मैं अभी से बोल दे रहा हूं पहला एलिमिनेशन इन तीनों में से 99 चलो 100% चांस है कि भाई डीमन ही का हो रहा है। सेट और फिनिशर लगाओ एलिमिनेट करो, यही रास्ता रोक रहा है बार बार। सेट चालू रॉलिंस, याद करो पहला यूनिवर्सल चैंपियनशिप किसने नहीं जीतने दिया था, अच्छा आज भी नहीं जीतने देंगे क्या? बाहर फेंका रोमन स्पियर, हां गिलिटिन खत्म खत्म भाई, टैप आउट करना ही, अगर नहीं भी किया तो पिनफॉल हो जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि टैप आउट ही कर देंगे। डीमन किंग फिन बैलर इस कंपटीशन से बाहर होते हैं। अब असली मजा आएगा, सेट फ्रिकिंग रॉलिंस वर्सेस ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। दोनों के पास फिनिशर है पर रोमन के पास थोड़ा सा एडवांटेज है क्योंकि रोमन के पास रेजिलियंस बची हुई अभी भी। अच्छा दोनों के पास इक्वली फिनिशर हो गए, दो दो। सेट का हेड अभी तक ऑरेंज कैसे है जबकि रोमन लेट में निकले थे, रोमन का हेड लाल हो गया है। सेट एकाध फिनिशर बचाओ तो शायद जीत सकते थे सेट। मैच खत्म, गेम ओवर, यूनिवर्सल टाइटल रोमन के पास। मुझे नहीं लग रहा था कि आउट करेंगे क्योंकि स्टार्ट ही किया था सेट ने, अच्छा खेला, पर ट्राइबल चीफ जीत चुके हैं। Here is your winner and the new WWE Universal Champion Roman Reigns. तो फेल आर्मी जाने से पहले कमेंट करके बताना फ्राइडे या सैटरडे किस दिन लाइव किया जाए, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, ख्याल रखो सब।